even get some calls. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं सब टीवी के दो शोज़ जो कि जल्द ही ऑफेयर हो जाएंगे। यस गाइज, आप थंबनेल में तो देख ही आए हैं, बाकी इसके रीजंस वगैरह के बारे में भी डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे सब टीवी के कैरी ऑन आलिया के बारे में, जो कि ओरिजिनली जिसका नाम था तेरा क्या होगा आलिया। तो गाइज, ये शो अभी नया ही रिवैम्प वगैरह हुआ था, इसका टाइम स्लॉट वगैरह भी चेंज करके 7 बजे कर दिया था। तो गाइज, ये जल्द ही ऑफेयर होने वाला है। यस गाइज, अगर आपका ये फेवरेट शो था तो आपके लिए मेरे पास बुरी खबर है कि ये शो ऑफेयर हो जाएगा। हालांकि अभी रिवैम्प वगैरह हुआ था और 7 बजे के टाइम पे ठीक टीआरपी ला रहा था, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है गाइस? वैसे तो जब ये 7 पे शिफ्ट हुआ इसकी अच्छी टीआरपी आ रही थी, बट टीआरपी वगैरह आईपीएल इफेक्ट पड़ा है, और भी जब लॉकडाउन वगैरह के बाद टीआरपी घट रही है। आई मीन रिवैम्प पे बड़ी थी लेकिन फिर घट ही रही है इसकी टीआरपी, और अब कुछ खास टीआरपी नहीं ला रहा जितनी पहले ला रहा था। तो एक तो फैक्टर टीआरपी भी है बहुत बड़ा इसके ऑफेयर होने का, बट एक मेन फैक्टर जो और है वो ये है कि सब टीवी के पास काफ़ी ज़्यादा नए शोज़ हैं पाइपलाइन में पड़े हैं, जैसे कि कांटे लाल एंड सन्स वगैरह। उनके लिए उनको टाइम स्लॉट्स वगैरह चाहिए, जो कि अभी मेन टाइम स्लॉट्स जो हैं जैसे कि 8 बजे, 8:30, 9:30 से लेके 10 बजे तक, वहाँ पे शोज़ की टीआरपी की प्रॉब्लम अभी के लिए नहीं है। हालांकि अलादीन की घट रही है टीआरपी, वो आगे चल के देखेंगे, बट अभी के लिए उनमें से किसी शोज़ को ऑफ़र नहीं कर सकते। हालांकि टाइम स्लॉट वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट जिन शोज़ को ऑफ़र करना पड़ेगा वो फिर उनको इस करके तेरा क्या होगा आलिया को ऑफ़र कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न है, आई मीन टू रीजंस हैं, टीआरपी भी काफ़ी बड़ा रीज़न है और ये भी रीज़न है जगह बनानी है नए शोज़ के लिए, बिकॉज जो नए शो आने हैं वो भी मंडे टू फ्राइडे आने हैं, सैटरडे टू संडे वाले शोज़ नहीं है। इस करके सब टीवी के पास काफ़ी ज़्यादा वो है 7 बजे के लिए। इसके लिए तेरा क्या होगा आलिया ऑफ़र कब होगा गाइस? 23 अक्टूबर को, आई मीन कैरी ऑन आलिया 23 अक्टूबर को मोस्ट प्रोबेबली इसका लास्ट एपिसोड एयर होगा सब टीवी पर, इसके आसपास ही हो जाएगा या फिर पूरे 23 अक्टूबर, और इसी कुछ हफ्तों में ही इसका शूट वगैरह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आपको कह देगा ये शो अलविदा। अब बात कर लेते हैं तेनालीरामा की, जो कि पहले 8 बजे आया करता था और अब 7:30 आता है। तेनालीरामा काफ़ी देर चला है सब टीवी पर अच्छी तरह से, 3 साल से चला है, 2017 जुलाई के आसपास स्टार्ट हुआ था और अब 2020 का एंड होने वाला है। तो गाइस, तेनालीरामा भी कंफर्म्ड ऑफर होने वाला है सून। अगर आप इसके फ़ैन थे, काफ़ी ज़्यादा फैंस थे तेनालीरामा वगैरह के, तो बुरी खबर ज़रूर है कि ये ऑफर हो जाएगा। ये शो कॉन्टिलो पिक्चर्स का शो था, काफ़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउस का, और जितनी देर तक भी ये रहा है सब टीवी पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है लोगों को। तो गाइस, कृष्णा भारद्वाज जो कि तेनालीरामा का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं इस रोल से, और अब वो 6 महीने के ब्रेक वगैरह पे जाएंगे इस शो के ऑफर हो जाने के बाद, और अपनी लुक वगैरह जैसे कि उनके बाल उगाएंगे अपने, और फिर दूसरे शोज़ के लिए वेट घटाएंगे और फिर कोई नया प्रोजेक्ट करेंगे। अभी के लिए वो 6 महीने की ब्रेक लेंगे, और ऑल्सो उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग है इस शो को छोड़ के जाना, आई मीन इस शो का ऑफर होना। ये शो ऑफर होने का उनको पहले से ही बताया हुआ था कि नवंबर के आसपास या फिर इस साल के एंड तक ऑफर हो जाएगा, बट अब गाइस मैं आपको बता दूं कि नवंबर में यानी कि अगले महीने में तेनालीरामा को ऑफर कर दिया जाएगा, इसका लास्ट एपिसोड आपको दिखाया जाएगा और एक हैप्पी नोट पे शो को एंड कर दिया जाएगा। तो गाइस, पहले तो चैनल वाले इसका टाइम स्लॉट चेंज करने की सोच रहे थे, जैसे कि अब 7:30 बजे आता है तो इसको 10:30 वगैरह या फिर ऐसा कुछ करने का सोच रहे थे, बट गाइस उसका कोई लॉजिकली फ़ायदा तो है नहीं, बिकॉज अब कितनी भी टाइम स्लॉट्स चेंज कर लो अगर ऐसे टाइम स्लॉट्स पे लगाओगे शो को जैसे कि 7:30, 10:30, तो शो का फ्लॉप होना जायज़ है, शो फ्लॉप हो ही जाता है। तो ये ड्रॉप कर दिया आइडिया टाइम स्लॉट चेंज करने का और इस शो को ऑफर करने का नतीजे फिर आया चैनल। कृष्णा भारद्वाज ने कहा उनको नहीं पता कि शो ऑफर क्यों हो रहा है वैसे, और ऑफर होने के रीजंस ये हैं। 7:30 बजे पर सब टीवी बिलीव करता है कि उनके जो नए शोज हैं वो इससे ज़्यादा टीआरपी ला सकते हैं। इसकी टीआरपी भी थोड़ी बहुत घट रही थी, पर इतनी भी नहीं कि ऑफर कर दें, बट स्टिल सब टीवी अपनी टीआरपी बिल्कुल हाई करना चाहता है और 7:30 और 7 बजे के टाइम स्लॉट पे भी हाई टीआरपी शोज लाना चाहता है जिनकी टीआरपी 1 के आसपास हो, 0.9, 0.8 ऐसे हो। तो सब टीवी अपने नए शोज़ वगैरह को 7 और 7:30 की टाइम स्लॉट वगैरह देना चाहता है, या फिर पुराने वालों को 7:30 पे करके नए वालों को उनकी टाइम स्लॉट देने का सोच रहा है। तो यस, ये प्लान है। इस करके तेरा क्या होगा आलिया, आई मीन कैरी ऑन आलिया और तेनालीरामा ऑफर हो जाएंगे सब टीवी से। तो गाइस, यही थी आज की न्यूज़। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं इस चीज़ पर, इस न्यूज़ पर अपनी राय, आपके थॉट्स। आज के वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर कमेंट करें, शेयर करें सब टीवी के फैंस के साथ ये इन्फॉर्मेशन। और गाइस, और भी इन्फो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जैसे कि कौन सा नया शो इनको रिप्लेस करेगा वगैरह वगैरह, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आप अपडेटेड रहें, जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं कल के न्यू वीडियो में, आज के लिए चलता हूँ, गुड बाय।